लिए दर्शन करा दिए हैं और ये रथ यात्रा तीनों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो फिलहाल मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, तभी फिलहाल समुद्र वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे। तो अब जा रहे हैं हम लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो वो मंदिर, जो मंदिर को हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वो मंदिर भव्य मंदिर है, बहुत अच्छी मंदिर है, जाने माने मंदिर है, जो मन्नतें मांगते हैं वो इंसान का पूरी हो जाती है। तो फिलहाल हम भी पहली बार जा रहे हैं और उस मंदिर का खासियत ये है कि जिधर वो हवा बहता है उसकी विपरीत वो तिरंगा लहराता है। तो गाइस चलते हैं उस मंदिर को दर्शन करने के लिए और आप लोग को भी दर्शन कराते हैं, बट वीडियो को एंड तक बने रहिए गाइस। वो रे जीजू दीदी एंड मम्मी, तो चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो फिलहाल हम लोग की गाड़ी आ रही है। रथ यात्रा निकलता है, तो फिलहाल अभी रथ यात्रा पता नहीं गेट के सामने हो रहा है, मंदिर आप लोग को दिख रही होगी सामने, तो चलते हैं मंदिर के सामने एंड मंदिर के पास। गाइस आप लोग को एक चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग का बनारस में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था, सेम उसी चीज़ का कॉपी यहाँ पे किया गया है मंदिर। ये भी शंकर जी का ही मंदिर है। फिलहाल चलते हैं हम लोग, पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहीं से उतर चुके हैं और पैदल जाना पड़ता है, तो निकलते हैं गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, जय जगन्नाथ बाबा। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रथ यात्रा निकला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी भी रथ यात्रा चल रहा है यहाँ पे, और आप लोग देखिए गाइस, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं और मेरे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी मेरे साथ हैं, तो बाबा जी दर्शन कराएंगे, तो चलते हैं गाइस दर्शन कराते हैं और आप भी दर्शन आप लोगों को भी कराते हैं। चेक करिए गाइस आप लोग, देखिए रथ यात्रा, जो रथ यात्रा निकला था बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ये राम मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये रही रथ यात्रा। तो गाइस ये बाबा जी बता रहे हैं यहाँ के बारे में, और ये चीज़ बता रहे थे यहाँ का, ये रथ यात्रा जो चीज़ था इसके बारे में क्या बता रहे थे बाबा जी, ये रथ यात्रा के बारे में? तीनों रथ, जगन्नाथ जी का होता है 16 पहिया, रथ का नाम होता है नंदीघोष, यस, और सुभद्रा जी का होता है देवदड़न, और उसका ये पहिया होता है 12, बलराम जी का होता है 120, बलराम जी का होता है 16 पहिया, ये उसको देवदड़न, ये ताड़ध्वज। तो गाइस ये रहा पूरा मंदिर, अभी चलते हैं उसको उसका और आगे दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है। अभी रथ यात्रा यहाँ पे है, यहाँ से बहुत क्लीन दिख रहा है बाबा जी का, बट इसके मंदिर के अंदर अब अलाउ नहीं है फ़ोन, इसके लिए हम बाहर से शूट कर रहे हैं, बट दर्शन हो गया मेरा, तो बाबा जी दर्शन करा दिए हैं और ये रहा रथ यात्रा तीनों। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए इस वीडियो को, और पूरी मेरी फैमिली यहाँ पर घूम रही है, देख सकते दोनों खुश है भाई बहन, बहुत मस्ती कर रहा है, वो घूम रहा है, उसकी बहन पकड़ रही है, और इधर मम्मी दीदी, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बस बहुत एंजॉय मिल रहा है हम लोग को। बाबा का दर्शन हो गया फाइनली गाइस, दर्शन वगैरह हो चुका हम लोग का, और फिलहाल हम लोग बैठ के आराम भी कर लिए, और पीछे दिख ही रहा होगा बाबा का, जय जगन्नाथ बाबा। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और यहाँ पे रथ यात्रा का भी था। तो गाइस चलते हैं अब, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे हम लोग रूम पे। तो गाइस यहाँ का एक जलेबी है, बहुत बहुत मतलब फेमस है ये, तो फिलहाल हम लोग 1 किलो ले रहे हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लगा है। फिर खाने के बाद चलते हैं होटल पे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेन है शाम को। तो फाइनली गाइस हम लोग खाने पीने के लिए आ चुके हैं, तो 60 रुपये थाली है, यही चीज़ है, और चावल भी है। गाइस हम लोग खाना पीना खा के अब निकल रहे हैं होटल के लिए, क्योंकि हम लोग की 7 बजे ट्रेन है, क्योंकि रिटर्न फिर जाना है हम लोग को संबलपुर। तो गाइस बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमने में भी, और दर्शन करने में भी सुकून फील हुआ। तो गाइस चलते हैं फाइनली, गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नहीं सकते।